गांव खंडवा में चाकू से वार कर हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को 7 साल कठोर कारावास की सजा, डीजे कोर्ट ने सुनाया फैसला। चूरू जिले के भालेरी थाना अंतर्गत गांव खंडवा में साल 2023 में राशन लेकर घर आ रहे व्यक्ति पर चाकू से हमला कर हत्या का प्रयास करने के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। चूरू जिला एवं सेशन कोर्ट ने गवाहों व साक्ष्य के आधार पर आरोपी को 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि 15 फरवरी 2023 को गांव खंडवा की सुरजा देवी की रिपोर्ट पर भालेरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था कि जब उसका पति हेतराम उचित मूल्य की दुकान से गेहूं लेकर घर की तरफ जा रहा था तो गांव के सरकारी अस्पताल के पास आते ही बेगराज नाम के व्यक्ति ने अचानक चाकू से हेतराम पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। बेगराज ने उसके पति हेतराम पर चाकू से 15 से 17 वार किए जिससे उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। सुरजा देवी ने जब शोर मचाया तो मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए तो आरोपी बेगराज वहां से फरार हो गया। हेतराम को अस्पताल लाया गया जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। आरोपी बेगराज ने उसके पति हेतराम पर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला किया। उन्होंने बताया कि उक्त मामले में चूरू जिला एवं सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया है जिसमें आरोपी को 7 साल कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है। चूरू के जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री रविंद्र कुमार जी ने आज भालेरी थाने के खंडवा ग्राम में दिनांक 15/2/2023 को हेतराम नामक व्यक्ति के चाकू से गोंद कर हत्या का प्रयास करने के मामले में आज अपना फैसला सुनाते हुए मुलजिम दास पुत्र अर्जुन दास निवासी पुलिस थाना भालेरी को हत्या के प्रयास के आरोप में 7 वर्ष का कठोर कारावास, 10,000 रुपये का जुर्माना। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सूचना केंद्र में सेमिनार का आयोजन, हिंदी पत्रकारिता और सोशल मीडिया पर हुआ मंथन। चूरू जिला मुख्यालय के सूचना केंद्र में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सेमिनार आयोजित किया गया। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा आयोजित सेमिनार में पत्रकारिता और सोशल मीडिया विषय पर मंथन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने कहा कि लोकतंत्र में नागरिक हितों की रक्षा में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद हिंदी पत्रकारिता की अपनी एक साख है और करीब 200 साल का एक गरिमा और गौरव से परिपूर्ण सफर हिंदी पत्रकारिता ने तय किया है। मुख्य वक्ता राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चोटिया ने कहा कि सोशल मीडिया ने पत्रकारिता के दायरे को और विस्तृत किया है, लेकिन सोशल मीडिया में आत्म अनुशासन की जरूरत अधिक है, तभी उसकी विश्वसनीयता और बेहतरी हो सकेगी। विशिष्ट अतिथि सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय ने कहा कि सोशल मीडिया क्रांति ने पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बदलाव किया है। इससे अच्छे बुरे सभी पक्ष हैं, लेकिन फिर भी अनेक उदाहरण हैं जहाँ सोशल मीडिया बदलाव का वाहक बना है। सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए नरेंद्र शर्मा ने कहा कि पत्रकार हितों की सुरक्षा के लिए अधिक संगठित होकर काम करने की आवश्यकता है। IFWJ के उपाध्यक्ष पत्रकार मनोज शर्मा ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता के इस गौरवमयी सफर में अनेक चुनौतियां सामने आई, लेकिन हिंदी पत्रकारिता ने हमेशा पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया है। स्वागत उद्बोधन में सहायक जनसंपर्क अधिकारी मनीष कुमार ने मीडिया के विभिन्न आयामों की चर्चा की। पूर्व जिला अध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक अमित तिवाड़ी ने सभी का आभार व्यक्त किया। भर्ती अस्पताल के लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट के पास आग लगने की सूचना से मचा हड़कंप, अस्पताल प्रशासन ने की मॉक ड्रिल। चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में स्थित लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट के पास अचानक आग लगने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। इस मैसेज की सूचना के बाद अस्पताल के सभी अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां पता चला कि प्रचंड गर्मी को देखते हुए आग की मॉक ड्रिल की गई थी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हनुमान जयपाल ने बताया कि प्रचंड गर्मी को देखते हुए गुरुवार को अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज भेजा गया जिसमें लिखा गया कि लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट और मुख्य स्टोर के बीच एक भीषण आग लग गई है। मैसेज को देखने के बाद तुरंत अस्पताल के अधिकारियों की टीम एक्टिव हो गई, जिसने पावर सप्लाई बंद करवाने, दमकल को सूचना करने, लिक्विड ऑक्सीजन से जुड़े वार्डों के वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की वैकल्पिक व्यवस्था करवाई गई। मैसेज को देखने के कुछ ही समय बाद अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और नर्सिंग अधिकारी मौके पर पहुंच गए और आग को बुझाया गया। लोहिया कॉलेज में हमारे द्वारा काउंटिंग कराई गई है 8 विधानसभा क्षेत्र की, मतलब पूरे MP चुनाव के लिए, और हर एक रूम में हमने 14-14 टेबल प्लान की हुई है, प्लस एक ARO की टेबल, और रेंजिंग फ्रॉम 19 राउंड से लेकर 22 जो हाईएस्ट है हमारे सरदार शहर में, उस राउंड्स में सारी कंप्लीट कर लेंगे कार्रवाई, क्योंकि बहुत गर्मी है इस बार, तो इसको देखते हुए कूलर्स की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था पर बिल्कुल ज़्यादा फोकस रखा गया है,
और कंप्लीट कर लिए हमने सारी अरेंजमेंट्स, सेटिंग अरेंजमेंट सारा प्लान कर दिया। पोस्टल बैलेट्स की जो काउंटिंग है, जिसके लिए हमने 40 टेबल एक रूम में लगाई है, बड़ा हॉल है उसमें, उसमें विशेष तौर से अभी हमें सब कर्मियों को देखते हुए कूलर्स की व्यवस्था ज़्यादा रखी है, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छे से करी है, और जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी वह शेड और इंक्लूड कर देंगे। और इसके साथ साथ जहाँ काउंटिंग एजेंट्स के लिए आना है, किस रास्ते से आना है, उसके प्रॉपर मार्किंग और सारा सूचक जो है अभी इन प्लेस आ जाएंगे।